हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल गई है। जी हाँ दोस्तों, एमएससीडी की ओर से AITT 119 का यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल है जारी कर दिया गया है। तो इसमें जो कैंडिडेट जिनकी ट्रेनिंग है 12 अगस्त 2024 तक कंप्लीट हो चुकी है, डेजिग्नेटेड ट्रेनिंग कैंडिडेट, वो इस AITT 119 में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल जारी किया गया है जिसमें कैंडिडेट को क्या क्या टास्क करने हैं, एस्टेब्लिशमेंट को क्या क्या टास्क करने हैं, इनकी CBT एग्जाम कब होगी, कब तक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल और सेशन मार्क्स वो कब अपलोड किए जाएंगे, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हूँ। तो जो कैंडिडेट जिनकी ट्रेनिंग 12 अगस्त 2024 तक कम्प्लीट हो चुकी है, उन कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्योंकि कैंडिडेट यदि अपना रजिस्ट्रेशन करने से इस एग्जाम से वंचित रह जाता है तो कैंडिडेट है उसका रिजल्ट वो यहाँ पे फेल घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि MSCD की ओर से जो डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है शेड्यूल का, उसके ऊपर और जानते हैं कि इसमें क्या क्या कैंडिडेट के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या क्या शेड्यूल से वो रखा गया है। दोस्तों ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग की ओर से ये न्यू दिल्ली की ओर से ये शेड्यूल है जारी किया गया। यहाँ पे 119वीं ऑल इंडिया टेस्ट है उसका शेड्यूल जारी किया गया। जिन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नॉन ITI फ्रेशर अप्रेंटिस के रूप में डेजिग्नेटेड ट्रेनर में थे, वो कैंडिडेट इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर और CBT एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट की ट्रेनिंग है 12 अगस्त 2024 तक कम्प्लीट हुई है, वही इसमें अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सबसे पहले एक्टिविटीज के अपन बात करें तो अटेंडेंस, सेशनल मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड करने का काम एस्टेब्लिशमेंट का है, जो कि कैंडिडेट एस्टेब्लिशमेंट है 14/8/2024 से लेकर 28/8/2024 यानी 15 दिन के अंदर अंदर ये काम करना एस्टेब्लिशमेंट को बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप कैंडिडेट के सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड नहीं करते हो तो कैंडिडेट की फिर मार्कशीट जनरेट नहीं होती और कैंडिडेट CBT एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT रजिस्ट्रेशन और फी का पेमेंट, ये अप्रेंटिसशिप को ये काम करना है। अप्रेंटिसशिप जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना है CBT एग्जाम के लिए 14/8/2024 से लेकर 1/9/2024 यानी 19 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद में ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैपिंग की बात करें तो CBT एग्जाम एजेंसी का काम है, जो कि 4/9 से 10/9/2024 के बीच में किया जाएगा। होल टिकट जनरेशन का काम है तो ये TNT करेगी, जो कि आप 12/9/2024 से लेकर 14/9/2024 के बीच में हो जाएगा। होल टिकट कैंडिडेट डाउनलोड कब कर सकते हैं तो ये अप्रेंटिसशिप के लिए 15/9 से लेकर 25/9/2024 यानी 11 दिन के अंदर अंदर कैंडिडेट अपना तो CBT एग्जाम का कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का काम जो रिलेवेंट एजेंसी का है 14/8 से 18/9/2024 36 दिन में करना है। CBT एग्जाम ट्रेड थ्योरी WCS और ES की बात करें तो ये 26/9/2024 से लेकर 27/9/2024 के बीच में किया जाएगा। अब होल टिकट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए तो अटेंडेंस वो 80% या इससे ऊपर होनी जरूरी है, सेशनल मार्क्स वो 60%, ट्रेड थ्योरी में होनी जरूरी है, 40% है वो ट्रेड थ्योरी WCS और ED में होने जरूरी है, CBT एग्जाम की फी का पेमेंट होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट है वो 12 अगस्त 2024 से पहले पहले कंप्लीट होना जरूरी है। CBT एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर दो एग्जाम सेशन यहाँ पे रखे गए, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के। सबसे पहले इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इसमें एग्जाम फर्स्ट होगी, इसमें ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। एग्जाम सेकेंड है उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स की बात करें तो एग्जाम फर्स्ट में ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के और एग्जाम सेकंड है तो इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के यहाँ पे आएंगे। फी किस प्रकार से पेड कर दिए तो जो ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको 458 रुपये, ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 213 रुपये, ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एम्प्लॉयबिलिटी के लिए 376 रुपये और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 295 रुपये रहेंगे। इसके आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे इसके होल टिकट अवार्ड देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जिन दो कैंडिडेट ITI पास आउट है और जिन्होंने ITI पास आउट करने के बाद अप्रेंटिसशिप किए उन कैंडिडेट्स को इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल मार्क्स और सेशनल मार्क्स के आधार पर कैंडिडेट का फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी किया जाता है, वो CBT एग्जाम उनके लिए लागू नहीं कर रखी है, उनको छूट दे रखी है। तो दोस्तों इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से चेक कर लो। इसके बारे में अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।